कैसे हैं? चलिए हम लोग इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मेरा प्रॉब्लम है, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह वर्ग दशम का चैप्टर एक्सरसाइज फर्स्ट है, जो वास्तविक संख्या का एक क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें क्या करना है, जो मेरा प्रॉब्लम दिया हो जिसको अपरिमेय संख्या प्रूव सिद्ध करना है, उसको क्या मान लेते हैं, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 3 + √5 को हम लोग p/q है ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p/q सहभाज है। सहभाज का मतलब होता है जिसका मीन्स P और Q का ACF क्या है, 1 है। मीन्स P और Q 1 के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगा, सबसे यह न्यूनतम रूप में है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब हम करेंगे क्या, इस √5 3 को इस साइड में भेज देंगे, मीन्स √5 को छोड़ देंगे और p/q है 3 को इधर भेजेंगे, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे, हम लोग पता है कि √5 क्या है। √5 हम पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि √5 क्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु p/q-3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या क्यों है, p/q-3 परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि यह परिमेय, ये मेरा परिमेय संख्या है और 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में घटाते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमेशा परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, चलिए हम आपका √5 का परिमेय संख्या हुआ और p/q एक परिमेय संख्या हुआ, तो यह दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है, ये दोनों, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो यह विरुद्धाभास क्यों हुआ, तो यह विरुद्धाभास, यह गलत है, यह विरोध करता है हमारे माने गए कथन को, हमारे माने गए कथन को, कथन जो हमने माना था कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, तो यह कथन जो होता है, यह कथन जो है हमारे द्वारा माने गए क्या गलत मानने के कारण यह स्थिति पैदा हुई, यह स्थिति आया कि यह इधर अपरिमेय संख्या हो गया, इधर परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, हमारे माने गए कथन को तो कहेंगे अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है,
इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का इसी सेम प्रोसेस का सेम मेथड पे ही सेम प्रोसेस पे ही जैसे प्रूव करने के लिए देगा क्वेश्चंस आपको सिद्ध करने के लिए कि 3 + 2√5, 2√5, 2/√5, 3 − √5, रूट 3 − √2 इत्यादि। ये सारे क्वेश्चन का सभी का प्रोसेस सभी का मेथड यही है, ठीक है। इसी मेथड के द्वारा सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट स्टेप में आपको ना रूट रूट को छोड़कर रूट जिसमें भी कुछ है रूट को एक साइड में छोड़ देंगे, बिना रूट वाला नंबर को क्या है दूसरे साइड में भेज देंगे, तो आपको आसानी से ये सारे प्रॉब्लम सिद्ध हो जाएंगे। थैंक्स, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अगले वीडियो में इसी तरह अगले वीडियो में आप लोग और भी प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम अगर हो, कोई समस्या आती है, तो आप प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।